मैं एक चीज आपको बताता हूं, इतने ऑनलाइन मीटिंग को देखते हैं ना, मैं पिछले संडे के वीरवार कोई ऐसे भाई था, मुझे नाम भूल गया उसका, वो अपने बाया के लिए प्रेयर कर रहा था कि हम 10 साल से ऐसे कुछ परेशान हैं, बहुत बीमार हैं, हाँ हम, मैं हाथ जोड़कर पांव पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रेयर करो उनके लिए, हम इतने सालों से परेशान हैं। तो मैंने सबसे पहले थोड़ी जानकारी दी कि क्यों भाया क्यों परेशान हो, हाँ फिर मैंने प्रेयर की, मैंने कहा कि अगर आप भाई सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे कुछ मैसेज करो। मैसेज तो उसने नहीं किया, अगर वो सुन रहा होता तो मैसेज करता। जब मैंने उसके भाई के लिए प्रेयर की थी और जो कलीसिया उस दिन बैठी थी जितनी भी, मैंने उनको भी कहा था कि इस भाई के लिए, उसका नाम मुझे भूल गया मैं, कि इसके लिए प्रेयर कर, हाँ बबलू प्रसाद, बबलू प्रसाद करके ऐसे नाम था, हाँ बबलू प्रसाद। और बबलू प्रसाद जी क्या है, कमेंट किया और चू पता नहीं किस, क्योंकि कई लोगों का मन है कि वो जिसको भी भाई देखते हो देखो, मन लगाकर देखते रहो, थोड़ा सा ये सुना, थोड़ा सा वो सुना, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। जी हम किसी शादी ब्याह में नहीं, थोड़ी सी सब्जी ये डाल ली और ढेर डाल ली, हाँ ये खुदा का वर्ड है, उसकी सच्चाई है। जिसको भी सुनो मन से सुनो, मैं नहीं कहता मुझे ही सुनो, जिसको परमेश्वर आपके मन में लगाता है, अगर आपके मन में परमेश्वर डाल रहा है कि इन मुझे सुनो, मैं आज अपने खुदा के इस दास से सुनने से मैं आपके आपके जीवन को अच्छा करूंगा, आपको डिलीवर करूंगा, आपके जीवन को बढ़ाऊंगा, तो अपनी बुद्धि मत लगाओ। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुना फिर उसको सुन, फिर उसको सुन, फिर उस मिनिस्ट्री को सुन, फिर उसको सुन। हाँ मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कहता मुझे सुनो, जिसको परमेश्वर आपके मन में ढालता है उसको सुनो, पर सच्चे मन से सुनो, अच्छे मन से सुनो। अभी मबलू प्रसाद जी 2 मिनट के लिए कमेंट करके 2-3 चले गए अपने भाई के लिए, और मैंने कहा कि भाई अगर सुन रहा तो कमेंट कर, मैं तेरे भाई के लिए आज प्रेयर करने वाला हूं। और हमने प्रेयर की भी, ऐसे नहीं कि नहीं की, बोलो क्या, ऐसे नहीं कि नहीं प्रेयर की हमने, समझ आ रही। अब अगर उसने सुनी होती, रिसीव करता और विश्वास करता, निश्चय मुझे ये ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है कि हर बंदा जो मैं खुदा का आत्मा, क्योंकि मेरा विश्वास सॉलिड विश्वास मैं करता हूं हर बात के लिए, अगर कोई उन बातों को सॉलिड मन से लेता है, एक अच्छे मन से, मैं कहता हूं 100% हर बंदा छुड़ाया जाएगा, अच्छा होगा, एक अच्छी जिंदगी वो जिएगा और उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आमीन। बोलो क्या है, लोग मन नहीं लगाते खुदा पर, मन नहीं लगाते ना, कई कई लोगों का मन तो सिर्फ सेवकों पर ही है। हाँ कौन ज्यादा शक्तिवान है, कौन मेरे लिए बोल देगा, अरे बोलने वाला परमेश्वर है, उस पर अपने भरोसा करना है, उसके वचन पर अपने विश्वास करना है, किसी सेवक पर नहीं, उसके वर्ड पर, उसके वचन पर विश्वास करो, उस परमेश्वर पर विश्वास करो जो आपके लिए बोलेगा। बाइबल प्रभु ने कहा बोलने वाले तुम नहीं, किसका आत्मा बोलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने सेविकों को इस्तेमाल नहीं करता, करता है, पर आपका भरोसा किस पर होना चाहिए, किसके पर होना चाहिए, उस सच्चे परमेश्वर पर, उसके वचन पर जो आपके लिए बोलेगा। आमीन, हालेलुया। और मेरा शांस है कि आज भी वो बोलेगा। सिर्फ अपना भरोसा किस पर रखना, मैंने कहा अपना भरोसा किस पर रखना, किसी सेविक पर नहीं, मुझ पर नहीं। और लोगों की यही कमी, इसलिए लोग भटक रहे हैं। बोलो क्या है? भटक रहे हैं लोग, भटक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। बोलो क्या है, हमने करना क्या है। ठीक है, परमेश्वर आपके साथ हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ब्लेस करने वाले हैं बहुत ज्यादा। आमीन।